बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, दिस इज सर सऊद और मैं आपको अपने चैनल सऊद सॉल्यूशंस में खुशामदीद कहता हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में हम सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 3 दी जनरल इक्वेशन ऑफ सी टाइम एक्सरसाइज है 3.2, पेज नंबर है 135-136 और इस पर मौजूद है एक क्वेश्चन नंबर 15, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड भी है और इसका सोल्यूशन हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 15 को जो है बुक से रीड करेंगे। तो यहाँ पे कह रहा है कि डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स बी सी कॉमा सी ए कॉमा ए बी रिस्पेक्टिवली, यानी कि डी जो है वो जो है मिड पॉइंट है बी सी साइड का, ई जो है वो ए सी या सी ए साइड का और एफ जो है ए बी साइड का रिस्पेक्टिवली। तरतीब ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी का शो दैट, शो एनालिटिकली, एनालिटिकली आपको साबित करना है दैट के डेल्टा ए बी सी यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के। अच्छा, अब जाहिर सी बात है ये अगर आप बहुत से सोचें और देखें तो ये मैट्रिक क्लास के जो थ्योरम्स है उनसे रिलेट कर रहा है सवाल और इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री के लिहाज से हमें इसको प्रूव करना है। अब आइए सबसे पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। हमने हमारे पास जो है वर्टिसेस गिवन नहीं, जब वर्टिसेस गिवन नहीं होते तो वो प्योर एनालिटिकल ज्योमेट्री का सवाल होता है। यहाँ पे फिक्स कोऑर्डिनेट सिस्टम के हवाले से हमें खुद सपोज करने होते हैं कोऑर्डिनेट्स और उसको फर्जी तौर पर लेके चलना होता है सवाल को और प्रूव करना होता है। अब देखिए मैंने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किए, एक ट्रायंगल बनाई ए बी सी, ए को मैंने ओरिजिन पे रखा 0,0 और बी को यहां पर एक्स एक्सिस पे फिक्स किया। अब मैंने जो है इसका कोऑर्डिनेट फर्स्ट कर लिया कि ए से लेके यहां तक फासला इसका डिस्टेंस बी के बराबर है, तो एक्स एक्सिस पर वाई क्या होगा, 0 होगा, तो बी कॉमा 0 हो गया सिंपली। और सी वर्टेक्स को मैंने फिक्स किया है जो है वाई एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर एक्स कॉम्पोनेंट क्या हो गया 0 और एक नया वेरिएबल सी सपोज कर लिया, तो आसानी तौर पे आप इसके कोऑर्डिनेट्स याद कर सकते हैं कि 0,0 b,0 एंड 0,c, तो ये ट्राइंगल ए बी सी बन गई। फिर उसने जैसे सवाल में दिया था एक इशारा उसके मुताबिक आपने मिड पॉइंट्स तलाश करने हैं। उसने कहा था कि ए सी साइड का मिड पॉइंट ई होगा, मैंने यहाँ पे मिड पॉइंट लगा दिया, ए बी साइड का मिड पॉइंट एफ होगा और बी सी साइड का मिड पॉइंट डी होगा। ये तीनों मिड पॉइंट्स आपने तलाश कर लिए, इनको आपने ज्वाइंट करके एक और ट्राइंगल बना दी डी ई एफ। अब साबित ये करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बराबर होगा 4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल डी एफ। अब आप और से देखें तो एक ट्रायंगल तो डी एफ ये बन गया, एक ये बन गया, तीन, एक दो तीन और चौथी, 4 जो है ट्रायंगल बन गई। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी बराबर 4 टाइम्स ऑफ ट्रायंगल डी एफ के बराबर होगा। अच्छा, अब हमें ये काम करना है कि इसको बारी बारी हमें इनके एरियाज कैलकुलेट करने हैं। पहले एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी निकालेंगे, फिर डी ई एफ निकालेंगे और अपने प्रूफ की जाने बनेंगे। आइए देखते हैं सॉल्यूशन में। लेट फर्स्ट किया अ ट्राइंगल ए बी सी जो मैंने डायग्राम में शो किया, हैविंग वर्टिसेस ए 0,0 बी बी कॉमा 0 एंड सी 0,c रिस्पेक्टिवली। गिवन दैट दिया जा रहा है सवाल में D, E and F are the midpoints of the sides BC के, CA के and AB के respectively। अब जाहिर सी बात है midpoint आपको calculate करना पड़ेगा midpoint formula। तो हमने देखा using midpoint formula, पहले मैंने D पे इस्तेमाल किया DXY is equal to X1 plus X2 upon 2 comma Y1 plus Y2 upon 2। तो जाहिर सी बात है कि जब मैं D के मिड पॉइंट कैलकुलेट करूंगा तो बी के पॉइंट्स x1 y1 होंगे और सी के पॉइंट्स x2 y2 होंगे, तो मैं फॉर्मूले के अंदर पुट करूंगा बी प्लस 0/2, 0+c/2, सिंपलीफाई करूंगा तो b/2, c/2 आ जाएगा। आपको हर
मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, एक दफा आपने शुरू कर दिया, अब डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। अब अगर हम बात करते हैं डी को कैलकुलेट करने में, ई की, ई किसका मिड पॉइंट है, सी और ए का, तो सी के पॉइंट्स एक्स वन वाई वन बन जाएंगे और ए के पॉइंट्स एक्स वन वाई वन बन जाएंगे। तो याद रखिए डी ई इज इक्वल टू 0 प्लस 0 अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस सी अपॉन 2, कैलकुलेट करें तो 0 हो जाएगा क्योंकि 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0 हो जाएगा और सी अपॉन 2 हो जाएगा। फिर आप f कैलकुलेट करेंगे, f किसका मिड पॉइंट है, ab का, a के पास x1 y1 हो गए और b के पास x2 y2 हो गए। अब देखिए भाई 0 प्लस b अपॉन 2 कॉमा 0 प्लस 0 अपॉन 2, ये तो पूरी वैल्यू 0 हो गई, ये क्या हो जाएगा b अपॉन 2, तो इसका मतलब f के कोऑर्डिनेट्स आ गए b अपॉन 2 कॉमा 0। इसके बाद हमें क्या करना है, एरियाज कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम यूजिंग डेल्टा abc का फॉर्मूला लिखेंगे 1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ डिटरमिनेंट x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। अब देखिए एरिया abc निकालना है तो a के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 बन गए, b के x2 y2 बन गए और c के x3 y3 बन गए। तो ये x1 y1, ये x2 y2, ये x3 y3 इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे और सिंपलीफाई करेंगे, हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल abc आ जाएगा। तो स्टूडेंट यहां तक के सॉल्यूशन आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसके बाद में ये वैल्यूज इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके सिंपलीफाई करूंगा और आगे हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि मैंने फॉर्मूला में वैल्यूज पुट की, तो डेल्टा abc इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 टाइम्स 0 0 1 b 0 1 0 c 1, एक्सपेंडिंग फॉर आर वन कर देंगे। और अगर आपको पता है कि प्लस माइनस प्लस एक्सपेंड होता है, पहली दो वैल्यूज के लिए तो करना बेकार ही है, हाफ जीरो माइनस जीरो प्लस वन, प्लस माइनस प्लस, और देखिए ये रॉ रिलेटेड है, ए कॉलम बी सी माइनस जीरो डिवाइड बाय जीरो, तो ये पूरी चीज खत्म हो गई, जीरो हो गया, ये भी जीरो हट गया, बी सी को डिवाइड कर देंगे वन अपॉन टू से, तो डेल्टा ए बी सी आ जाएगा बी सी ओवर टू एंड दिस इज कॉल्ड योर इक्वेशन नंबर वन आ जाएगी। यहां तक भी इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम डेल्टा डी ई एफ के लिए वर्किंग करेंगे और अपने प्रूफ की जाने जाएंगे। इसके बाद मैं ये यहां से रिमूव कर रहा देखिए, मैं इसको एक्सपेंडिंग फॉर जो है कॉलम वन से एक्सपेंड करूंगा, यहां पे एक जीरो है क्योंकि यहां से करूंगा तो जाहिर सी बात है कि मुझे ज्यादा वर्किंग करनी पड़ेगी, तो मैं एक्सपेंडिंग फॉर सी वन के लिए एक्सपेंड करूंगा और वही आपका रूल होगा प्लस माइनस प्लस का। तो यहां देखिएगा वन अपॉन टू कर्ली ब्रैकेट बी अपॉन टू, इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये रॉड रिलेटेड है, ये कॉलम, तो सी अपॉन टू को वन से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस जीरो हो जाएगा, सी अपॉन टू माइनस जीरो। दूसरे के लिए वर्किंग करना बेकार है, जीरो छोड़ दीजिए, तो प्लस माइनस और फिर प्लस बी, चाहे तो जीरो के लिए कर दें प्लस का, ये बी अपॉन टू के लिए वर्किंग कर रहे हैं। अब देखिए इसके लिए वर्किंग कर रहे हैं, ये रॉ गई, ये कॉलम गया, सी अपॉन टू को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, तो सी अपॉन टू माइनस सी अपॉन टू, ये देखिए ये कैंसिल आउट हो गया, यहां बचा जीरो, जीरो से ये चीज मल्टीप्लाई होकर खत्म हो जाएगी और ये भी जीरो खत्म हो गया। अब यहां देखिए डेल्टा डी ई एफ कैलकुलेट कर रहे हैं आप, वन अपॉन टू कर्ली ब्रैकेट, इसको से मल्टीप्लाई करती है बी सी ओवर टू टू जो फोर। अच्छा देखिए ये फोर यहां पे डिवाइड कर रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो फोर टाइम्स ऑफ डेल्टा डी ई एफ के बराबर आ जाएगा और यहां पे क्या बचेगा, बी सी ओवर टू बचेगा। अब इक्वेशन नंबर वन को देखिए, क्या बी सी अपॉन टू की वैल्यू डेल्टा एबीसी आ गई, तो हम क्या करेंगे बाय इक्वेशन नंबर वन, वन के मुताबिक इसकी जगह रखेंगे डी ई एफ
इज इक्वल टू डेल्टा ऑफ ए बी सी। तो इस तरीके से हमारा एनालिटिकल जो प्रूफ था वो प्रूव हो गया है कि ट्राइंगल ए बी सी का एरिया 4 टाइम्स ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ के बराबर आता है। तो आप इस सॉल्यूशन को नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफा एग्जाम में रिपीट हो चुका है, इसकी प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही स्टूडेंट हम अपना आज का वीडियो लेक्चर एंड करते हैं। नए सवाल के सॉल्यूशन को जानने के लिए देखते रहिएगा सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।